आज तक जितने भी भारत में फ्रॉड हुए हैं उनमें एक बात तो कॉमन है कि फ्रॉड करने के बाद वे लोग लंदन भाग जाते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी, ये वे लोग हैं जो भारत में हजारों करोड़ का फ्रॉड करके यूके के शहर लंदन भाग जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2003 में अभी तक लगभग 6000 से ज्यादा फ्रॉडर लंदन का टिकट कटा चुके हैं। सिर्फ इंडियन के ही नहीं बल्कि और भी देश के लोग फ्रॉड करने के बाद लंदन ही भाग जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि फ्रॉडर और क्रिमिनल लंदन ही क्यों भागते हैं? आज हम आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर कोई फ्रॉडर या क्रिमिनल अपने देश से भागकर लंदन जाता है तो यूके उसका वेलकम करता है, लेकिन शर्त यह है कि फ्रॉडर को अच्छे खासे पैसे लेकर यूके आने चाहिए, जिससे वे यूके में 20 लाख पाउंड का इन्वेस्टमेंट कर सके। इस चीज से यूके की इकोनॉमिक में पैसे आते हैं, जिससे यूके को अपनी इकोनॉमिक और जीडीपी में पैसे बढ़ाने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि यूके में 20 लाख पाउंड इन्वेस्ट करने पर भागकर आए हुए फ्रॉडर को गोल्डन वीजा की सुविधा दी जाती है, जिससे वे पूरी जिंदगी यूके में रह सकते हैं। और जिन्हें यूके की गोल्डन वीजा दिया जाता है उन पर यूके का सख्त कानून भी नहीं लगता है, और यही वजह है कि ज्यादातर फ्रॉडर अपने देशों के फ्रॉड करने के बाद यूके के शहर लंदन में जाके बस जाते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट से 131 फ्रॉडर को मांगा, लेकिन यूके के गवर्नमेंट ने मात्र 1% को इंडियन गवर्नमेंट को सौंपा, और ये अपने यहाँ के ह्यूमन राइट को बताकर बात को टाल देता है, क्योंकि यूके का ह्यूमन राइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके चलते यूके की अदालत को लगता है कि अगर यूके में आए हुए किसी विदेशी व्यक्ति को उसके देश को सौंपने पर वह देश उस व्यक्ति को टॉर्चर या फांसी की सजा देगा, तो ऐसे में यूके की अदालत ने उस व्यक्ति को उस देश में देने से मना कर देती है। इन्हीं मजबूत ह्यूमन राइट के फायदे भारत ही नहीं दुनिया के कई देश के फ्रॉडर और क्रिमिनल फायदा उठाते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट तो बहाना है, तो बाकी देशों से आए हुए फ्रॉडर और क्रिमिनल के लाए हुए पैसों से अपने देशों के इकोनॉमिक और जीडीपी को बढ़ाना है। विजय माल्या भारत से 9000 करोड़ रुपए फ्रॉड करके लंदन भागा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे विजय माल्या को मांगा? यूके ने अपने यहाँ के ह्यूमन राइट को बताकर और ह्यूमन राइट का सहारा लेते हुए ये कहा कि भारत की जेलें विजय माल्या के लिए सही नहीं है। इसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।